मुस्लिम बरादरी है जेल भरो तहरीक में, वो हमसे भी ज्यादा मुतहरिक है। वो अपनी लिस्टें पेश कर रहे हैं और जिस तरह से वो जोश और जज्बे के साथ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस तरह से कौम अपने लीडर के ऊपर एतमाद का इजहार कर रही है, इसी तरह इस मुल्क का प्रोफेशनल तबका, पढ़ा लिखा तबका और बिलखसूस हमारी जो वुकला बरादरी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो खान साहब के ऊपर ना सिर्फ एतमाद का इजहार कर रहे हैं, अपने एतमाद का इजहार कर रहे हैं, बल्कि उनके साथ मिलने के बाद अपनी सारी काविशें, अपनी सारी जो उनकी जो माजी में भी जितनी भी उन्होंने जिद्दोजहद की है, आगे भी वो रूल ऑफ लॉ के लिए, आयन की बालादस्ती के लिए और इस मुल्क में हकीकी आज़ादी को हकीकी मायनों में एक्सरसाइज कराने के लिए खान साहब के साथ जुटे हुए हैं। आज मेरे भाई सदर डिस्ट्रिक्ट बार गुजरांवाला चौधरी परवेज आबिद हरल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मैं अपनी पीटीआई की पूरी फैमिली की तरफ से, अपने चेयरमैन की तरफ से तहे दिल से उनको खुश आमदीद कहती हूँ और उनके साथ भी ये अहद करती हूँ कि जिस तरह आपने इज्जत बख्शी, जिस तरह आप काविशें कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, इंशाल्लाह पार्टी आपको, आपकी खिदमात को इज्जत की निगाह से देखती भी है, आगे भी सराहेगी। उनके मेरे साथ राणा जफर यासीन, ये सदर है सरगोधा बार के, वो भी आज तशरीफ लाए, उन्होंने भी मुलाकात की खान साहब से, और उनके साथ जमीर हुसैन शिराजी जो जनरल सेक्रेटरी हैं सरगोधा बार के, वो भी तशरीफ लाए, और साथ हमारे जो यूथ, हमारे जो वुकला जिन्होंने, मैं तो खुद जब 25 मई का सानिया मैं तो कहूंगी हो रहा था, मैं अपने वकील भाइयों की बस में थी, मैं और चीमा साहब, जब हमारी बस तोड़ी गई हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ और जिस तरह से ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में वुकला को गिरफ्तार किया गया जो कि हक और सच की आवाज उठा रहे थे। सो आज खान साहब के साथ, चेयरमैन के साथ मीटिंग में ये तय पाया है के 90 डेज के अंदर जब तक इलेक्शन इंश्योर नहीं करते, वुकला बरादरी पूरे मुल्क गिर, पूरे मुल्क के अंदर, पंजाब के अंदर मुल्क गिर, इंशाल्लाह मूवमेंट चलाएगी और उसका वो सिलसिला आगे शुरू करेंगे। इंशाल्लाह हमारी जितनी भी वुकला की तंजीमें हैं वो खुद इससे आपको आगाह करेंगी, इसकी शुरुआत की जाएगी लाहौर से और फिर, बल्कि सरगोधा वाले तो बहुत ही ज्यादा पहली बारी लेना चाह रहे थे लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि इसको शुरू हम लाहौर से करेंगे। और दूसरी जो बात, उसके बाद मैं अपने दोनों भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी अपना मुद्दा रखें अवाम के आगे कि देखें पाकिस्तान तरीके इंसाफ का नस्बुलैन सिर्फ एक है कि इंसाफ के लिए ये जमात बनाई गई थी और जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, आयन की बालादस्ती नहीं होगी, कोई हकीकी आज़ादी का ख्वाब भी ना देखे नामुमकिन, और इसको मुमकिन हम इन अपने भाइयों की मदद से करेंगे इंशाल्लाह। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी बात करें प्लीज। शुरू करता हूं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो रहमान है, रहीम है और सब जहानों को पैदा करने वाला है। आज हमने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात की है। हमारे वफद की क्यादत हमारे सबका सदर जनाब मलक शफकत अवान साहब कर रहे थे। हमने खान साहब को इस बात का यकीन दिलाया है कि जो वुकला है वो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि इंशाल्लाह इलेक्शन 90 डेज के अंदर अंदर होंगे। अगर इलेक्शन 90 डेज में जमहूरियत के मुताबिक और कानून के मुताबिक ना हुए तो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के वुकला इलेक्शन करवाने के लिए जरूर निकलेंगे इंशाल्लाह। और यही जमहूरियत का हुसन है, चाहे जिस पार्टी से भी किसी का ताल्लुक हो लेकिन वुकला हमेशा से जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और यही कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत का बोलबाला हो। इंशाल्लाह इलेक्शन 90 डेज में जरूर होंगे, यही हमारी ख्वाहिश है और यही इंशाल्लाह जरूर होगा। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेसिडेंट गुजरांवाला बार परवेज आबदर, और आज हमने अलांग में अपनी मैंने टीम ज्वाइन की है पीडीआई के साथ, और मेरा खान साहब के साथ वादा है कि पाकिस्तान के आइन के लिए
मुल्क को बचाने के लिए जिद्दोजहद करेंगे, इसका वादा आला है कि बर वक्त इलेक्शन हो। अगर बर वक्त इलेक्शन नहीं होते तो तमाम वकला, पाकिस्तान के तमाम वकला सरापा एहतजाज होंगे, और हम इंशाल्लाह अगर किसी किस्म की आमरियत मुसलत की गई तो उसका डट कर मुकाबला करेंगे। 2007 में भी हमने आमरियत का मुकाबला किया था और अब भी हम करेंगे, और हमारी ये अपील है अरबाब हुक्मरान से कि बर वक्त इलेक्शन करवाए, आइन की पासदारी करें, वरना हमें राष्ट्र इकदाम पर मजबूर ना करें। अस्सलाम वालेकुम। ये बता दें कि जो अब आपकी इलेक्शन की अगर डेट नहीं मिलती तो उसके बाद आपकी एक तहरीक चलने जा रही है जी, जेल बड़ो तहरीक, तो उसमें जो है वकला हजरात भी क्या आपके साथ होंगे और जो दूसरे भी आपके जज हैं उसमें भी वकला आपके साथ होंगे? जी बिल्कुल, बल्कि मैं मुझे बताते हुए इंतहाई खुशी हो रही है कि हमारे जो वकला बरादरी है जेल भरो तहरीक में वो हमसे भी ज़्यादा मुतहर्रिक है, और जिस तरह से वो अपनी लिस्टें पेश कर रहे हैं और जिस तरह से वो जोश और जज्बे के साथ, देखें ये तारीखी लम्हात है, मैं हकीकत में एक हकीकी आज़ादी वाला नया पाकिस्तान बनते देख रही हूँ जिसमें हर तबका, क्या वकला, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, आप पढ़ा लिखा, रेड़ीबान, अनपढ़, हर कोई इस वक्त इस घुटन को महसूस कर रहा है, और हकीकी आज़ादी नागुजीर हो गई है, और उसके लिए पहला स्टेप इलेक्शन है, और वो आयन और कानून के मुताबिक मेरे मुल्क का आयन 90 डे से ऊपर एक घंटा भी इजाजत नहीं देता। हम इंशाल्लाह आइनी तरीके से तहरीक भी चलाएंगे, इसका मैंने जैसा कि अनाउंस किया कि हमारी वकला बरादरी इसकी शुरुआत लाहौर से करेगी, उसकी डेट हम इंशाल्लाह इन अ डे और टू अनाउंस करेंगे, और हम इनको मजबूर करेंगे, इनको घुटने टेकने पड़ेंगे कि 90 डेज के अंदर ये हर सूरत इलेक्शन करवाएं, क्योंकि इलेक्शन ही वाहिद हल है इस वक्त। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लिंक करती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ, और आखिर में मैं अपने तमाम भाइयों की शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनके जज्बे उससे भी ज्यादा मैं उनको सराहती हूं, और जिस तरह से खान साहब के साथ उन्होंने कहा, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि 2007 में जो टर्निंग पॉइंट आया पाकिस्तान की तारीख में वो वकला मूवमेंट से आया, अभी भी आएगा इंशाल्लाह, हकीकी आज़ादी हम लेके रहेंगे, और 90 डेज के अंदर इलेक्शन तो कराना ही पड़ेगा, अदरवाइज आर्टिकल 6 वकला से ज्यादा किसको पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। थैंक यू। अब जो भी मार्चेज हैं हम इनको आगे लगा के दौड़ाएंगे, आप देखते जाएं इंशाल्लाह, सारे मार्च अब इनसे कराएंगे। अब जो भी मार्चेज हैं हम इनको आगे लगा के दौड़ाएंगे, आप देखते जाएं इंशाल्लाह, सारे मार्च अब इनसे कराएंगे।